नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फिफ्थ के अंदर देखो अपने चैप्टर टू ही चल रहा है, तो चैप्टर टू के अंदर अपने देखो आठ क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है वो पूरा पूरा मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसका आंसर नीचे सोल्व करेंगे। देखो प्लस पोलियो अभियान के तीन चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्लस पोलियो अभियान पता ही आपको, दवाई घर घर में जाके दवाई पिलाते हैं। तो ये पंचायत है कौन सी, बगवास पंचायत है, वहां पे कितने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई, 8,976 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई है। आगे क्या दे रखा है, पहले चरण में 2780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवाई यानी पिलाई तो इतनी गई है, ठीक है। पहले चरण में 2780 बच्चों को, दूसरे चरण में आपको 2925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई, यानी कुल तो इतनी दे रखी है और पहला दूसरा चरण दे रखा, तीसरे का कुछ है तो आपको क्या करना है, पहले और दूसरे चरण वाले को जोड़ना है। जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसको हम कुल में से माइनस कर देंगे तो तीसरे चरण का निकलेगा। तो मैं इसका आंसर यहां पे लिख रहा हूं, पहले चरण में दवा पिलाई गई कितनी थी, 2780। अब लिख लेंगे दूसरे चरण में दवा पिलाई गई कितनी है, देखो 2925 आपको दे रखी है तो 2925 लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, जीरो में पांच जोड़ेंगे पांच, आठ में दो जोड़ देंगे दस, दस का जीरो एक ऊपर लग जाएगा आंसर, सात एक आठ, आठ नौ सत्रह, सत्रह का सत्रह आंसर आगे जाएगी, एक दो एक तीन, तीन में दो पांच, तो कितनी हो गई पहले चरण और दूसरे चरण को कुल मिला के कितनी हो गई, 5,705 बच्चों को दवाई पिलाई गई और कुल कितनी दवाई है, इतने बच्चों को पिलाई गई है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो तीसरे चरण का निकलेगा, ठीक है। हमें क्या है 8,976 है, हम निकालेंगे नीचे लिख रहा हूं मैं, तीसरे चरण में, तीसरे चरण में दवा पिलाई गई, पहले ये लिखेंगे 8,976 माइनस कर देंगे ये जो आपका आंसर है 5,705, माइनस करने पे आंसर आएगा वो आ जाएगा, तो देखो माइनस में यहां करके बता रहा हूं 8,976 इसमें से माइनस कर देंगे 5,705। देखो छह में से पांच गया एक आ जाएगा या छह बच गई, छह में से जीरो जाएगा छह, और नौ में से सात गया दो और आठ में से पांच गया तीन, तो क्या आएगा 3,261 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3,261 ये आंसर आएगा, यानी तीसरे चरण में जो बच्चे हैं वो ये होंगे, तो ठीक है। पहले चरण दूसरे चरण को आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको तीसरे चरण में से तीसरे चरण का निकालना है, तो तीसरे कुल में से आपको क्या कर देना है ये माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर दिया हमने और इसके बाद में जो आंसर आएगा वो हमारे तीसरे चरण का आंसर है, ठीक है। तो तीसरे चरण में हमने जो दवा पिलाई गई वो 3,261 होगी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद में आपके आता है क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए, भारतीय अंक दे रखे हैं और जोड़ और घटाव करनी है। भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव पहले इसका क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। दो पांच छह और ये आठ फिर दिया हुआ है चार तीन पांच और चार प्लस करना है दूसरी संख्या यहां लिख रहा हूं मैं दो तीन पांच और चार आठ छह और एक इसमें प्लस किया है यानी से तुम थर्ड नंबर आठ छह दो तीन इसके नीचे दे रखा है एक आठ नौ फोर पार्ट इसका दिया हुआ है तीन चार पांच नौ चार तीन पांच और दो तीन प्लस कर दो पहले जोड़ वाले कर रहे हैं फिर घटाव वाले करेंगे। तो देखो मैंने रोमन नंबर आपको बताया कि भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं देखो एक दो तीन चार फिर पांच छ सात और आठ नौ और दस ये सब मैं एक बार लिख के बता रहा हूं भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो एक को तो हम ऐसे लिखेंगे एक दो को ऐसे लिखेंगे तीन को ऐसे लिखेंगे कर देंगे चार को हम ऐसे लिखेंगे पांच को हम वाई की तरह लिखेंगे छह को हम टी का उल्टा लिखेंगे सात है तो सात को हम ऐसे लिखेंगे और आठ है आठ को आप ऐसे लिखेंगे तो नौ है तो ऐसे लिखेंगे ठीक है और दस है तो दस को आप वापिस ऐसे लिख देंगे एक बार वापिस से समझा दे तो ठीक है ना। देखो एक को हम ऐसे लिखते हैं दो को ऐसे लिखेंगे दो अंदर से लिखेंगे तीन है तो तीन ऐसे लिख के नीचे ऐसे कट जाएगा चार है तो ये है पांच है तो वाई लिख के करेंगे छह में उल्टा तीन बनाया तो तीन का उल्टा छह हो जाएगा ऐसा सात है तो ऐसा लिख के घुमा देंगे आठ है तो आठ को हम ऐसे लिखेंगे नौ है तो ऐसा ई बना के और बीच में लाइन दे देंगे बड़े वाले और दस है तो वापिस एक
और जीरो आपका होता ही लिखना। अब ये बातें बदलती, मैं अब इसको मैं जोड़ करनी है, तो देखो ये मैंने पहले बता दी, इसको बोलते क्या, देखो आठ है और ये क्या है, चार है, आठ है चार कितने हो गए, बारह हो गए, क्या हो गए, बारह, आठ और चार बारह हो गए। अब बारह को हम भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, दो को देखो ऐसे लिखते हैं और एक को ऐसे लिखते हैं, तो एक तो लिखेंगे नहीं, दो ही लिखेंगे, तो दो आप लिख दो यहाँ पे और एक ऊपर लग जाएगी यहाँ। अब ये देखो छह होते हैं, मान देखो छह, छह एक सात, सात पांच बारह, बारह का वापिस से दो ऐसे ही आएगा और एक करेंगे, देखो इसको क्या बोलते हैं सात और इसको बोलते हैं एक, तो सात एक आठ, आठ को हम कैसे लिखते हैं, देखो ये वाला तरीका है, ऐसे लिखेंगे और यूं करके ऐसा आठ, पांच और छह होता है ये, पांच छह ग्यारह, ग्यारह का मतलब एक, एक को हम कैसे लिखते हैं ऐसे और एक ऊपर लग जाएगा। अब तीन, इसको तीन बोलते हैं, तीन में एक जोड़ दो चार, चार और आठ बारह, बारह का दो, दो हम कैसे लिखते हैं ऐसे और एक ऊपर लगा देंगे, ये दो है, दो और एक तीन, तीन और चार सात, सात को हम कैसे लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, ओके। तो देखो मैंने दो आपको कराए हैं, दो आपको करने हैं जोड़ के, तीसरा और चौथा आपको करना है, क्योंकि मैं घटाओ के भी बताऊंगा आपको, इसे दो जोड़ के आप अपने आप करोगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है, तो जोड़ के करना ही है, उतार के इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, पहला दूसरा बता दिया, तीसरा चौथा अपने आप करना है। अब इसके घटाओ के क्वेश्चन है, वो भी मैं ब्लैकबोर्ड पे एक बार समझा देता हूं, क्योंकि जोड़ और घटाओ दोनों है इसमें। एक छह तीन आठ, तो माइनस का सिंबल है, आठ छह पांच, सातवां क्वेश्चन है, चार नौ ऐसे,
जीरो है, जीरो आठ सात, ये आपको संख्या दे रखी है। अब इसको करेंगे हम, जब आपको सबको पता है ये आठ है, आठ में से पांच चले जाएंगे, ये आठ बोलते हैं इसको, इसको आठ में पांच दे तीन आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके तीन है, तीन में से छह जाते नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एक वैल्यू यहां से ले लेंगे, ठीक है, एक वैल्यू ले लो यहां से, तो यहां छह, छह में से एक वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा पांच, ये पांच आपके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो एक वैल्यू यहां से ले लेंगे तो ये तीन है, तो ये क्या बन गए तेरह बन जाएंगे, तेरह में से छह माइनस कर दो तो तेरह में से छह जाएंगे सात, तो सात हम कैसे लिखते हैं, सात को मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं, ये वाला ये काम है, सात ध्यान नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, हम बना दे तो सात को ऐसे लिखेंगे, ये रहा देखो ये सात लिखता, तो सात ऐसे लिखेंगे। अब ये बन गया वाई, ये पांच है, इसको क्या बोलते हैं, पांच बोलते हैं, पांच में से क्या करना, आठ जाता नहीं तो कोई आठ बोलते हैं, तो एक वैल्यू इधर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे पंद्रह, ये एक ही है, एक इधर लेंगे तो ये पंद्रह बन गया, क्या बन गया पंद्रह, पंद्रह में से आठ जाएंगे सात, तो सात वापिस ऐसे लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा। इसी प्रकार देखो ये चार में से छह जाते नहीं है तो एक वैल्यू इधर लेंगे ये बन जाएगा चौदह, ऐसे लिख दिया कंफ्यूजन हो तो चौदह लिख लिया, चौदह में से छह जगह आठ आ जाएंगे, आठ को हम कैसे लिखेंगे मैंने अभी बता दिया कैसे लिखते हैं आठ को, ये वाला तरीका है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे और यू करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक इधर ले लिया, दो में से एक लिया तो यहां पर बन गया एक, अब एक इधर से लेंगे क्योंकि अच्छा एक में से एक चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक ही है, तो एक में से एक गया क्या बचा जीरो, यहाँ बच गए कुछ नहीं बचा, यहाँ तो लिए ही नहीं था हमने, यही करा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है बोरो नहीं करा तो ये आपके क्या रहेगा, ये भी यही रहेगा, यहाँ आपके तीन है, तीन में से आठ नहीं जाते तो एक बजे इधर से लेंगे तो ये तेरह बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे तेरह, और यहाँ बन जाएंगे छह में से लिया तो पांच बन जाएंगे, तेरह में से आठ गए सात आ जाएंगे, तेरह में से आठ गए पांच आएंगे, फिर पांच है पांच में से पांच गए जीरो, इसका आंसर ये आएगा, सॉरी ये पांच ऐसे नहीं लिखने से, पांच आपको बाकी पद्धति में लिखने तो पांच आपको ऐसे लिखने, तो देखो दो मैंने आपको करवा दिए, दो आपके होमवर्क में है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको करने हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है, तो दो मैंने करवा दिए, दो आपके पास है, ठीक है, तो भारतीय पद्धति वालों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, रोमन उसको दो या तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, कैसे वर्ड्स लिखते हैं, लिखने आ जाएंगे, दो चार वर्ड्स हैं जो आपको प्रॉब्लम डालेगा, सात आठ लिखने में प्रॉब्लम आएगी, नौ लिखने, बाकी तो सारे सिंपल से वर्ड्स आप सीख जाओगे, ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लेना, काम कर लेना, थैंक यू।